नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है। इसके लिए सपा कार्यकर्ता और प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। बूथों पर उपयोग सभी ईवीएम वीवीपैट के नंबर आदि नोट किए गए थे। किसी भी प्रकार से धांधली नहीं करने देने का दावा सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है और उनके अधिकारों को भी बताया गया है। धांधली को रोकने का पूर्ण प्रयास किया गया है। मैं जिस दिन से यहाँ प्रत्याशी बन के आया, उस दिन से लगातार आपका सहयोग और इसमें प्यार मिला और मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काउंटिंग प्रक्रिया में भी हमारा सहयोग करें और प्रशासन से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष काउंटिंग की प्रक्रिया हो। और चूँकि आप सभी लोग इस देश को आईना दिखाने वाले लोग हैं और सच्चाई के साथ आप लोग रहें, निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल नहीं। एग्जिट पोल का मतलब है इतनी जल्दी एग्जिट पोल आना साथ में चढ़ का आया नहीं, जहाँ 7 सीटों का एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल कोई दे दे वो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल जनता ही देगी, क्योंकि एग्जिट पोल का मानक केवल 1-2% से भी कम लोग एग्जिट पोल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं एग्जिट पोल बता रहा है उनमें कोई सत्यता होगी। और ये बात 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगी। इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ सभी को कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है मानसिक रूप से तोड़ने के लिए कि हम 400 नेगेटिव पे आ रहे हैं, जैसा कि भाजपा ने कहा है, एग्जिट पोल दिए। लेकिन जिनके छोटे चैनल हैं उनके एग्जिट पोल मैं सही मान रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत मालूम है। और जो बड़े चैनल हैं वो आप जानते हैं कि कहाँ से बहन होते हैं और सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन का इस बार साथ दिया है और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। आप सभी का बहुत बहुत आभार। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमने 5 जो विधानसभा हैं उसके मतगणना एजेंट जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनने हैं उनको हमने बना दिया है। और परसों हमने समाजवादी पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करी थी। जो भी इलेक्शन रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उन सभी के बारे में हमने अपने मतगणना एजेंट्स को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है और वो पूरी तरह से तैयार हैं 4 तारीख की मतगणना कराने के लिए। मैं आपको बता दूं कि एटा लोकसभा में 5 विधानसभाओं में जितनी भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई हैं, प्रयोग हुई हैं और जितनी ईवीएम मशीन खराब हुई हैं उन सबका डाटा हमारे पास है। हमने इस तरह की बुकलेट तैयार की हैं 5 विधानसभाओं के लिए, इस तरह की बुकलेट हमने तैयार की हैं। इस बुकलेट में हम कर क्या रहे हैं कि सारे के सारे 10 कैंडिडेट के नाम हैं और ऊपर हम कुछ जानकारी अपने मतगणना एजेंट के लिए लिख रहे हैं, जैसे किस बूथ पर उस बूथ का नाम है, विधानसभा का नाम है, उस बूथ का नाम है, बूथ का नंबर है, चक्र का नाम है और टेबल नंबर है। मान के चलें टेबल नंबर 1 पर हमारा एजेंट लगा हुआ है तो कितने वोट वहाँ पर पड़े, टोटल वोट कितने थे और उस पर जो कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम 3 हिस्से में होती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट नहीं आता है काउंटिंग में, वीवीपैट नहीं आता है, लेकिन टेबल पर कंट्रोल यूनिट आता है, सीयू आएगा, तो उस सीयू का हमने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंट्रोल यूनिट ईवीएम का जो बूथ पर गया होगा इसकी सारी की सारी लिस्ट हमारे पास है 500 विधानसभाओं की, यानी कि सारे के सारे बूथ पे कौन सा वीवीपैट गया है, कौन सा बैलेट यूनिट गया है, कौन सा कंट्रोल यूनिट गया है, इसकी सारी जानकारी इन 5 विधानसभाओं की है। अमापुर की है, महरेरा की है, पटियाली की है, सारी 5 जो विधानसभा हैं इंटर लोकसभा में उसके सारे के सारे नंबर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सीयू नंबर, बैलेट नंबर, बैलेट यूनिट नंबर, वीवीपैट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी की मदद से कौन सी कंट्रोल यूनिट किस बूथ पर गई है हम अपने काउंटिंग एजेंट को बता रहे हैं। तो मान के चलें टेबल नंबर 1 पर कौन सी मशीन
टेबल नंबर एक पर, बूथ नंबर एक पर कौन सी मशीन गई थी उसका हमने यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद एक नंबर बूथ के बाद 14वां नंबर बूथ आएगा, क्योंकि 14 टेबल लगी हुई है, तो 15वां नंबर आएगा। 15वां नंबर का बूथ, उसका नाम, कितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट कितने हैं और ईवीएम कितनी है, वो हमने बताया है। इसके बाद 29वीं नंबर ईवीएम आएगी, 29वें नंबर बूथ पर, वो भी हमने बताया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, हमने एजेंट को पूरा सशक्त कर हम वहाँ पर भेज रहे हैं, हमारा एजेंट किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होगा। जो सरकारी अधिकारियों के पास डाटा होगा वो हमारे इलेक्शन एजेंट के पास भी डाटा होगा और हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी ईवीएम में कम या ज़्यादा वोट होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो ईवीएम नहीं है जो पोलिंग बूथ पर गई है, क्योंकि हमने डाटा अपने काउंटिंग एजेंट को दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एआरओ टेबल पर जो लोग हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठेंगे वो पूरा का पूरा गणना करेंगे, इसमें राउंड वाइज गणना वो पूरा करते रहेंगे पांचों विधानसभाओं की। इसलिए इस पूरी चीज़ से हमें पता लगता रहेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को या बसपा के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, और राउंड वाइज हमने यहाँ पर पूरा योग भी लगाया हुआ है। तो इससे योग से हमारा जो एआरओ टेबल पर बैठा होगा व्यक्ति वो काउंट करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने काउंटिंग एजेंट को ये भी बताया है कि ये उनका कानूनी अधिकार है कि जब काउंटिंग होगी पहले राउंड की, तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद भाग दो फॉर्म 17C ये चुनाव आयोग हमारे काउंटिंग एजेंट को देगा। हमारा काउंटिंग एजेंट पहले सेटिस्फाई होगा कि ये जो मतगणना हुई है वो मतगणना फॉर्म 17C के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि 17C का पहला भाग हमारे पोलिंग एजेंट को पहले ही दिया जा चुका है जो हमारे पास है। हर पोलिंग बूथ का फॉर्म 17C का पहला भाग हमारे पास है और हमने क्रॉस चेकिंग कर ली है। दूसरा जो भाग है वो काउंटिंग, जो सरकारी एजेंट, जो सरकारी कर्मचारी होंगे ईवीएम मशीन की काउंटिंग के बाद हमारे काउंटिंग एजेंट को सिग्नेचर करने के बाद देंगे और हमारा काउंटिंग एजेंट फिर एआरओ टेबल पर वो पहुंचाएगा। तो पहला अधिकार काउंटिंग एजेंट का ये है कि भाग दो फॉर्म नंबर 17C हमारे हर काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा हमारा अधिकार ये है कि एआरओ टेबल पर जो अधिकारी बैठे होंगे और राउंड वायर जो गणना होगी उस गणना के बाद आरओ के साइन होने के बाद और ऑब्जर्वर के साइन होने के बाद राउंड वायर जो गणना होगी उसका भी प्रमाण पत्र हमको दिया जाएगा, और सिर्फ दिया नहीं जाएगा, उसकी घोषणा भी होगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कि इस राउंड में इस प्रत्याशी को इतने वोट मिले हैं। तो पार्टी वाइज उसकी घोषणा होगी, और सिर्फ घोषणा नहीं होगी बल्कि जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है उसके तहत ये प्रावधान है कि राउंड वाइज जो गणना हुई है एयरो टेबल पर डीएम के सिग्नेचर होने के बाद और ऑब्जर्वर के सिग्नेचर होने के बाद वहां पर एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर भी ये लगाया जाएगा। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के इलेक्शन एजेंट पूरी तरह से ट्रेन कर दिए गए हैं और उनको अधिकार बता दिए गए हैं कि किस नियम के तहत आप ये प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूरे एक महीने से समाजवादी पार्टी ने मंडी, कासगंज मंडी में और एटा मंडी में बैठकर ईवीएम की निगरानी की है और जिस तरह से हमने सीलिंग कराई है, क्योंकि सीलिंग जो प्रक्रिया हमने पोलिंग डे वाले दिन कराई थी रात भर, वो उसमें भी हमने अपने सिग्नेचर किए हैं और 10 रुपये का नोट हमने हर कमरे के जो ताले हैं उसमें डाला हुआ है और 10 रुपये के नोट के सभी नंबर्स हमारे पास हैं। तो जब 4 तारीख को स्ट्रांग रूम खुलेंगे वहाँ प्रत्याशी भी जी रहेंगे, हम रहेंगे, ऑब्जर्वर रहेंगे, डीएम रहेंगी और हमारी ही प्रेजेंस में वो स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। तो हम वो चेकिंग करेंगे कि 10 रुपये का जो नोट हमने वहाँ डाला था और जिस पर्ची पर हमने साइन किए थे वो पर्चियाँ वहाँ निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी हर लोकसभा के अंदर सतर्क है और मुस्तैदी के साथ जब तक मतगणना हो नहीं जाती है और जब तक अनाउंस नहीं हो जाता है रिजल्ट और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है हमारा एक एक काउंटिंग एजेंट अपनी टेबल पर कि इस बार सपा ने और इंडिया गठबंधन रोने और गाने बजाने की तैयारी कर ली है, क्या कहेंगे? देखिए एग्जिट पोल हैं ये, एग्जिट पोल्स नहीं हैं, हमारा एग्जिट पोल्स पर कोई भी भरोसा नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया है और उसको पता करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ मतगणना है, काउंटिंग है जो 4 तारीख को होगी। तो 4 तारीख को जो जनादेश आएगा हमारा उस पर भरोसा है, हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जनता को
भ्रमित करने का प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसके कुछ पर्पसेस हैं, इनके मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि किसी तरह से अधिकारियों पर दबाव डाला जा सके और दूसरा मकसद ये है कि ये कहीं ना कहीं एक बेईमानी का स्कोप बनाना चाहते हैं कि जनता बाद में जाके ये ना कहे कि एग्जिट पोल कुछ और आए थे और सरकार किसी और की बन रही है। तो ये जनता को भ्रमित करने का है और हम पहले ही कह चुके हैं ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं हैं, क्योंकि कल ही चुनाव हुआ है 5 बजे तक और 6 बजे एग्जिट पोल आ गए तो वहाँ का कैसे पता कर लिया। और बहुत ही कम लोगों को इन एग्जिट पोल्स में पूछा जाता है, तो जनता का ये रिप्रेजेंट, जो जनता की एस्पिरेशंस हैं, जो जनता चाह रही है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ये हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है। ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये ईवीएम के नहीं हैं बल्कि डीएम के माध्यम से ये दिए गए हैं, इस पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश जी ने बयान दिया था कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम है, डीएम है, इस पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस बार दावे होंगे खुदा पार निकली चुईया। देखिए, सरकार तो कुछ भी कह सकती है, पहले चरण के बाद किस तरह से सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके वक्तव्य किस तरह से बदलते चले गए और किस तरह से इस भारत की राजनीति को नफरत की राजनीति में बदलने की कोशिश की गई। 10 साल से जो लोग सत्ता में हैं उनको अपना विकास गिनाना चाहिए था, उनको ये गिनाना चाहिए था कि उन्होंने 10 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं गिना रहे थे, वो इस देश में नफरत पैदा कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत मुश्किल में है। इंडिया गठबंधन इस बार उत्तर पूरे भारत के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल जो आए हैं 4 तारीख को बिल्कुल उलट आप तस्वीर देखेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे यूपी में, क्या दावा आपका इस बार? देखिए, मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम ये पार वो पार का नारा दें, लेकिन जनता पे हमें पूरी तरह से भरोसा है और हम जो मेजोरिटी के लिए सीटें चाहिए उससे अधिक सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, बात गांधी जी कही है कि इस वक्त जो एग्जिट पोल दे रहे हैं कि भाजपा सरकार बना रही है, क्या लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरी घटना में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जैसा अखिलेश जी ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये ईवीएम के पोल नहीं है बल्कि डीएम के पोल हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की गोदी मीडिया के जरिए ये मंशा है कि सरकार कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहती है। लेकिन मैं बता दूं कि अधिकारियों की भी संवैधानिक ये ड्यूटी है और कर्तव्य है कि वो जो जनता का जनादेश है उसको निष्पक्ष तौर पर जनता के सामने रखें और ये काउंटिंग दिन के दिन अधिकारियों को भी फैसला करना है कि वो संविधान के साथ खड़े हुए हैं या वो जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये अधिकारियों के लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैसला लेने का दिन है 4 जून का। कहीं ना कहीं सपा सरकार में जो एसडीएम थे वो इस वक्त जहाँ एडीएम बनके इस चुनाव प्रक्रिया में पूरे शामिल हैं, क्या आपको भरोसा है कि वो सत्ता के संचालन करेंगे? देखिए, हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि ये सपा के एसडीएम हैं, ये भाजपा के डीएम हैं, हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि जो भी अधिकारी है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसको संवैधानिक होना चाहिए, उसको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, उसको किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, उसको हमारी पार्टी के हिसाब से भी नहीं चलना चाहिए, ना भाजपा के हिसाब से चलना चाहिए, ना सपा के हिसाब से चलना चाहिए, उसको संविधान और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि कोई सपा के सरकार में अगर एसडीएम काम किया है तो वो सपा की ही बचाएगा, ये बिल्कुल हमारा नहीं मानना है। हमारा ये मानना है कि निष्पक्ष तौर पर किसी भी अधिकारी को काम करना चाहिए और संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।